अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार को चेतना तिराहे पर महिला स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में पूजा जायसवाल ने बताया कि एक निजी कंपनी द्वारा शहरी ग्रामीण मलिन बस्तियों स्कूल कॉलेजों में न्यूनतम मूल्य पर बिना किसी लाभ के उपरोक्त मशीन की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें लोगों द्वारा सहयोग से हमें इस नेक कार्य में ऊर्जा प्रदान करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूजा जायसवाल ने कहा, ये एक हमारे पास हमारी मशीन है जो ऊर्जा कंपनी ने मतलब बनाई है। ये यूज नैपकिन जो है उसको बर्न करने की मशीन है, क्योंकि यूज नैपकिन से सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। आप कहीं भी देखोगे वो एक कूड़ा, ऐसा कूड़ा है जो सबसे घिनौना लगता है, सबसे बेकार लगता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जानवर होते हैं, वो जानवर सब उसको फैला के रख देते हैं। ये हमारी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ये यूज नैपकिन आप इसमें डालोगे और ये बर्न कर देगा। और हमारी दूसरी मशीन है वेंडिंग मशीन। जैसे ये हमारा सुलभ शौचालय स्कूलों या आप हॉस्टल्स या कहीं भी आप लगा सकते हो। तो आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है ये इस पे है कि हम लोग अपनी तरफ से, ऊर्जा की तरफ से, हम लोग अपनी 10-10 मशीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं जिला अस्पताल में और महिला थाने में, एडी स्कूल में, प्लस काशीराम की तरफ से एक छोटा सा स्कूल है वहाँ हम लगा रहे हैं। आज आम जनता से बस ये अपील है कि हम अपनी तरफ से एक स्टेप ले रहे हैं। आप आगे आके कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। ये 3 दिनों के लिए यहाँ पे है। आप 3 दिनों में कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, 1 रुपये से लेकर कुछ भी। ये हमें बहुत खुशी मिलेगी। बस इतने के लिए हम लोगों ने ये आज कैंप किया हुआ है।